नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य शिविर अंतर्गत आज जिला गुना मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय में कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में प्रदेश भर से विशेषज्ञ डॉक्टर यहां पहुंचकर मरीजों का इलाज करने आए हुए हैं। दोपहर 2 बजे के बाद यहां मरीजों को पर्चे मिलना बंद हो गए। जैसे ही इसकी खबर डिजियाना न्यूज को लगी तो हमारी टीम तत्काल जिला चिकित्सालय पहुँची और वहाँ पर जानना चाहा कि आखिर माजरा क्या है, वहीं मरीजों को पर्चे क्यों नहीं दिए जा रहे। जब इस बात पर हमने CMHO डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी से बात करना चाहिए तो वह उग्र हो गए और भड़कने लगे। अगर 5 मिनट को पर्चा खत्म हो गए, जमीन आसमान उठाने की क्या जरूरत है यार? खबर आई तो पहुंचेंगे ना। काय की खबर आई? काय की कोई खबर नहीं आई। रिकॉर्डिंग कोई खबर नहीं आई। पैर की दुकान है, क्या बोला? लोग भी बोला पर्चा नहीं मिल रहा है। बैठ लो, सुनो, बैठ लो। अरे पहले मेरी बात सुन रहा हूँ ना। अरे तुम मेरा मतलब की बात मत करो। तो जब हुआ था थे ही नहीं, जहाँ पे कर्मचारी थे ही नहीं। जब कर्मचारी मान लो पानी पी लिया है। अरे पानी पी में उठ जाओ, मान लो पानी पी में उठ जाओ सब। तो मेरा ये थी हमने इन सब की रिकॉर्डिंग अपने कैमरे में कैद करना चाहिए तो डिजियाना न्यूज का कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई, जिसकी रिकॉर्डिंग में वह गाली देते साफ नजर आ रहे हैं कि किस तरह से मीडिया कर्मियों को यहाँ से दूर रखने के लिए उनका कैमरा तक तोड़ने को तैयार थे। बात इतनी ही नहीं, इसके बाद उन्होंने महिला कर्मचारियों को आगे कर दिया और महिला कर्मचारी हम पर लगातार दबाव बनाने लगी कि आप लोग यहाँ से जाओ तब हम काम करेंगे। समझ से परे कि जब इतना बड़ा काम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य शिविर के अंतर्गत होना है, जिसमें कई मरीजों को लाभ पहुंचना है, तो मीडिया को इससे दूरी क्यों बनाई गई? इसके पीछे आया बड़ा बजट कहीं कारण तो नहीं? हमने बार बार CMHO डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी से कहा कि आप हाइपर ना हो, तो वह उल्टा चिल्लाते हुए हमसे बोलने लगे कि हाइपर आप हो रहे हैं। वहीं जब महिला कर्मचारी हम पर दबाव बना रही थी कि यहाँ सब सही चल रहा है और हमारी वजह से काम करने में दिक्कत आ रही है, तभी एक महिला मरीज भड़क उठी और बोलने लगी कि क्या अच्छा चल रहा है, मैं सुबह से यहाँ आई हूँ, मुझे अब जाकर पर्चा मिला है। तभी देखा गया कि एक महिला कर्मचारी तुरंत उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ने लगी। महिला ने तत्काल अपना हाथ छुड़ाया और फिर उसने महिला कर्मचारी के सामने अपनी आपबीती बताई। आप कर रहे हो ना यहाँ पर विवाद कर रहे हो, आप इसीलिए भीड़ यहाँ पर जमा। चलो करिए आप काम करिए। नहीं हम तो कर रहे हैं, जब विवाद पर आप मतलब आपत्ति उठा रहे हो तो हम लोग काम कैसे कर पाएंगे? दे रहे हो और बजाय उनको प्रोत्साहित कर रहे हो कि आप लोग इस तरीके से यहाँ बवंडर कर रहे हैं। RONSBI की शाखा बरकेड़ा हाट में रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर लुटेरों ने बैंक को लूटने की कोशिश की, पर उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई और वे बैंक से कुछ भी नहीं ले जा पाए। हालांकि लुटेरों ने सिक्योरिटी सिस्टम के तार काट दिए थे। घटना स्थल पर कुछ औजार सहित गैस कटर भी मिला है। तत्पश्चात पुलिस को सूचना दी गई। शाखा प्रबंधक ने बताया कि तिजोरी उठाने व तोड़ने की कोशिश चोरों द्वारा की गई है, पर वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए। वारदात सूचना मिलने पर हम आ गए थे बरखेड़ा हाट SBI बैंक में,
तो जो सामने वाला ताला तो खुल बंद था, लगा हुआ था, तो बदमाशों ने ऊपर छत पे चढ़ के दरवाज़ा लोहे की जो फाटक थी उसको सिलेंडर गैस सिलेंडर वासे काट के घुसे, भीतर घुसे। घुसने के बाद तिजोरी तोड़ने का प्रयास किया है, तार काट दिया है उसका कैमरे का। तो कुछ लेके नहीं गए? नहीं नहीं, अभी प्रयास किया है, कुछ लेके नहीं गए। छानबीन चल रही है। हारोन से हमारे सहयोगी चंद्र सरगमवंशी की रिपोर्ट। गुना में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे शिक्षकों ने आज मुंडन कराया। बता दें कि शिक्षा विभाग में संविलियन एवं सातवें वेतनमान लागू करने जैसी मांगों को लेकर विगत कई दिनों से आंदोलन कर रहे शिक्षक संघ ने आज स्थानीय हनुमान चौराहे पर सार्वजनिक रूप से मुंडन संस्कार कराकर आंदोलन किया है। आपकी बार नई सरकार, आपकी बार, आपकी बार पचास दिनों में डूब गए। सिक्की भी पछताया था, सिद्धू भी पछताएगा। सीपीआई थाने में जूता मारो साला में, सीपीआई थाने में जूता मारो साला में। खड़े हुए कुछ हमारे साथी अभी भी खड़े हुए हैं, वे कृपया यहाँ आ जाए और देखे कि ये हमारे लिए एक धर्म का पल है कि हम जूता मारो साला में, सीपीआई थाने में सभी अध्यापक संगठनों ने मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता का सहयोग किया था। 24 तारीख को आके वार्ता का सिलसिला सरकार और मुख्यमंत्री जी ने तोड़ दिया और 24 को ये घोषणा हुई थी कि अब यदि हमारे 12 जनवरी तक मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हमारी शिल्पी बहन जी ने कहा था कि हम मुंडन करा लेंगे। हमें कहीं ना कहीं भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे साथ और ये शासन को मालूम था, इसके बाद भी ये हुआ। आज गुणवत्ता पर प्रश्न उठाए जाते हैं, शिक्षकों प्राचार्यों प्राध्यापकों के पद खाली हैं, जनवरी में गतिविधि पुस्तिकाएं बांटी जा रही हैं, साइकिलें आज तक नहीं बटी हुई हैं, कई अव्यवस्थाओं का शिकार है हमारे विद्यालय और हम सब शिक्षक। ऐसी स्थिति में सिर्फ शिक्षक और अध्यापक संवर्ग उच्च शिक्षित है, स्वयं के व्यय पर बीएड डीएड एमएड अन्य डिग्री डिप्लोमा इसलिए करता है कि हम अपने बच्चों को विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा उन योग्यताओं के लाभ दें। इसके बाद भी प्रश्न सिर्फ हम पर उठाना ये कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण नीति है और इसका विरोध शांतिपूर्ण ढंग से और विद्यालय समय के उपरांत हम पढ़ाने के उपरांत हम अपना विरोध भी जता रहे हैं, मांग कर रहे हैं और आज हमारे भाई यहाँ पर मुंडन भी करवा के ये प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी मांग पहुँचा रहे हैं अनुशासित ढंग से। कुशवा समाज द्वारा आज प्रदेश स्तरीय युवक युवती सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन बूढ़े बालाजी हनुमान टेकरी रोड स्थित कुशवा मांगल्य भवन पर किया गया, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कुशवा समाज के युवक युवतियों ने हिस्सा लिया एवं एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कुशवा समाज के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। चंद्रमोहन जी का स्वागत करें, नरेंद्र कुशवा जी मार साहब आप खेमचंद जी का स्वागत करें, रूप सिंह जी, नरेंद्र जी रक्षा, हमारे बीच में वार्ड नंबर 10 के पार्षद राम भरोसे जी कुशवा मंच पर पधारें, मंच पर आसीन समस्त अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। बंधु एक एक का नाम बोलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय गुना में किया गया। गौरतलब है कि शिविर में मरीजों को जांच करने के लिए बाहर से विशेषज्ञ डॉक्टर आए हुए हैं, जिसमें स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में आज यहां पर मरीज पहुंचे। हालांकि मरीजों को अनियमितताओं से बचाने के लिए विभिन्न समाज सेवी संगठनों के युवा यहाँ मरीजों की मदद करने के लिए तैयार खड़े थे, जिसमें विशेषकर फिक्र मिल्लत मुस्लिम समाज के युवाओं ने यहाँ पर पूर्ण समय देकर मरीजों की कई प्रकार से सहायता पहुँचाई। संपूर्ण सनातन ब्राह्मण महासभा गुना की इकाई द्वारा आज युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन नजुल कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर पर रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। चाहता हूँ कि बहन जी भी उनके साथ खड़ी हो, बहन जी भी उनके साथ खड़ी हो। ब्राह्मण गौरव का सम्मान वाजपेयी जी को अपनी वजह से नहीं मिल रहा है, लेकिन बहन जी की प्रेरणा की वजह से उनको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जीवन संगनी निश्चित रूप से
मेरा नाम मोनू भार्गव है और मैं नजर कॉलोनी गुना में निवास करता हूँ। पूर्ण सनातन ब्राह्मण महासभा के द्वारा नमः परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। एक बार और रिपीट करें और स्लोली। कहाँ पे रखा गया है ये? नजूम कॉलोनी में है, भार्गव कॉलोनी के ऊपर हनुमान मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। कितने परिचय हुए? इसमें कम से कम 50 परिचय अभी होने की संभावना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर आयोजित होगी अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। आगामी 23 जनवरी को भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता मेरे दीन दयाल आयोजित करेगा। इसमें स्कूल और महाविद्यालय के विद्यार्थी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम 30 लाख युवाओं को परीक्षा में शामिल किया जाए और इसमें बड़ा सेंटर रुठियाई को बनाया गया है जिसमें विद्यालय मंडल जिला एवं प्रदेश स्तर पर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा एवं चयनित विद्यार्थियों को कॉफी विद सीएम कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन अंतरराष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है जिसका शीर्षक है मेरे दीन दयाल। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से 30 लाख युवा परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं और भारत के अलावा लगभग 40 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। अपने रागवाड़ मंडल से लगभग 1500-1600 बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें। 8वीं से लेकर 12वीं तक और फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। गुना जिले से लगभग 15,000 से 20,000 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के अलावा हम इसमें बच्चों को स्वच्छता का संकल्प भी दिलाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया जाएगा बच्चों को। जो बच्चा मंडल टॉप करेगा वो जिले में जाएगा। जिले में कई उपहार हैं, 1 लाख तक के नाम जिले में हैं। जो बच्चा जिला टॉप करेगा 8वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी और फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक के 3 विद्यार्थी भोपाल जाएंगे। भोपाल में सीएम साहब के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कॉफी विद सीएम का कार्यक्रम है। जो बच्चा यहाँ से जाएंगे जिले से वो अपने भोपाल में कॉफी विद सीएम कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। जादूगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाली केरल सरकार की शव यात्रा। गौरतलब है कि विगत दिवस केरल के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई थी जिसका इल्जाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा केरल सरकार पर लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इसके विरोध में आज केरल सरकार की शव यात्रा निकाली। इस तरह की बढ़ती घटनाओं को रोक लगाने की अपील भी उन्होंने सरकार से की है। जो कम्युनिस्ट सरकार द्वारा निर्मम हत्या एबीवीपी के कार्यकर्ता की गत दिवस की गई उसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा या गुना शहर के अंदर ये कम्युनिस्ट सरकार एवं जो अन्य कम्युनिस्ट संगठन गुना के अंदर अपनी गंदी राजनीति कर एक गंदा काम गुना में हमारे घर के और शहर को गंदा कर रहे हैं इनके विरोध में आज एक शव यात्रा एक अर्थी यहाँ पे हम लोगों ने इनकी पूरे नगर में निकाली। नगर के लोगों से आह्वान करा कि इन संगठनों को पहचानें और अगर
सरकार से भी हम ये कहना चाहते हैं, कम्युनिस्ट सरकार से, कि अगर कल को ऐसी हत्याएं होती रही और ऐसी कार्यकर्ताओं के साथ निर्ममता बरती गई तो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा और एक हत्या के बदले यहाँ पर चार से लाने का काम विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता। नगरपालिका गुना में नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों के नियमितकरण को लेकर आज कांग्रेस पार्षद वीरेंद्र शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया। आज उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में सफाई कामगारों ने एक धरना प्रदर्शन किया व आगामी मंगलवार को जनसुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर जाने की बात भी इनके द्वारा कही गई। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की कई नगरपालिकाओं में सफाई कामगारों का नियमितकरण हो चुका है लेकिन गुना नगरपालिका में अभी तक नहीं हो पाया। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मध्य प्रदेश के नगर पालिकाओं में कई जिलों के अंदर जो हमारे सफाई कर्मचारी गण थे उनका नियमितीकरण हो चुका है। मध्य प्रदेश शासन की जो योजना हुई उसको लागू किया गया लेकिन गुना नगर पालिका सिर्फ ऐसी नगर पालिका है कि लंबे समय से हमारे सफाई कर्मचारी भाई बंधुगण, हमारे जनसेवक, हमारी बहनें निवेदन, प्रार्थना, आवेदन के माध्यम से कह रहे हैं कि जब अन्य जिलों में नियमितीकरण हो चुका तो यहाँ नियमितीकरण क्यों नहीं कर रहे। सूची बन के कम्प्लीट है, सूची तैयार है लेकिन पता नहीं यहाँ से डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर नगरीय प्रशासन मंत्रालय और कलेक्टर को ये सूची को क्यों नहीं पहुँचा रहे, क्या कारण है। कहीं ना कहीं दलालों के माध्यम से कोई लेन देन का अब भावों का दौर चल रहा है कि कुछ ले दे करके देंगे तो इस सूची को पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार लोकतंत्र के अंदर जो पारदर्शिता होना चाहिए वो पारदर्शिता को छुपाते हुए इस प्रकार कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है और ये ऑलरेडी पहले ही गरीब लोग हैं, नित्य नियम अपना कार्य कर रहे हैं, इसके बाद अगर इनसे पैसे की उम्मीद की जाए कि कहीं ना कहीं पैसा मिल जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य गुना नगर पालिका का नहीं होगा। और इस बात को लेकर के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, इसे लेकर के हम मंगलवार को जिले के कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे। जिले के वो मुखिया हैं, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि जिले की आवाम अगर कहीं दुखी है, टेंशन में है, तनाव में है और नियमों के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है तो उसका निराकरण करें और इसके बाद हमें और भी कई मुद्दों पर फैसला लें। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित की जा रही मेरे दीनदयाल नामक अंतर्राष्ट्रीय समान ज्ञान प्रतियोगिता, उक्त प्रतियोगिता आगामी 23 जनवरी को संपन्न होगी जिसमें प्रदेश भर से लगभग 3,00,000 परीक्षार्थी हिस्सा लेने वाले हैं। गौरतलब है कि ये परीक्षा ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों पैटर्न पर होगी जिसमें दुनिया भर के युवा हिस्सा ले सकेंगे। उक्त प्रतियोगिता के बारे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील दहीफले ने डीजे आनंद न्यूज को उपलब्ध कराई। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस मध्य प्रदेश की धरती पर एक इतिहास रचने जा रहा है जिसमें मेरे दीनदयाल के नाम से एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में लगभग 30,00,000 विद्यार्थी शामिल होंगे पूरे मध्य प्रदेश में। उसी तारतम्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा गुना लगभग 18,000 पूरे जिले में परीक्षार्थी शामिल कर रहा है एवं सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से संपूर्ण जिले में अधिक पंजीयन होने के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी ने हम सभी गुना भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को शुभकामना संदेश एवं बधाई भेजी है एवं हमारे गुना नगर केंद्र पर लगभग 3,500 बच्चों का कस्तूरबा कॉलेज में खुले ग्राउंड में प्रतियोगिता भारतीय जनता युवा मोर्चा परिवार करा रहा है। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप भी उस परीक्षा में आकर अपनी सहभागिता निभाएं, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। आरोन नगर में माधव विद्या मंदिर स्कूल में हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, साथ ही सांस्कृतिक नाटकों की प्रस्तुतियां देकर सभी लोगों का मन आकर्षित करने वाली प्रस्तुतियां भी दी गई। वही स्कूल स्टाफ एवं नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व शील देकर सम्मानित किया गया।
बच्चों के प्रति सजग जागरूक रहकर लगातार विद्यालय के संपर्क में। और उनसे हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। म्याना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया विदाई समारोह। म्याना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज से बेहतर विदाई समारोह फेयरवेल पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गईं। क्लास 9वीं 10वीं व 11वीं के छात्र छात्राओं ने क्लास 12वीं के छात्र छात्राओं को कई उपहार भी दिए और अच्छे मार्क्स से पास होने की कामना भी की। वहीं कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं ने सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं को सम्मान किया। इस अवसर पर प्राचार्य HN जाटा व समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कि भाई सुन लीजिए कि जिसके हिस्से में फीकी चाय आएगी कल हम सब उनके घर मेहमान बनकर खाने के लिए आएंगे। क्या कि जिसके हिस्से में फीकी चाय आएगी उसके घर जो है हम मेहमान बनकर के आएंगे। तो फिर मालूम क्या होता है, तो सभी जो है मास्टरों ने खुशी से चाय पी, जितने भी हमारे हैरवाल साहब की कन्नौजिया जी, श्रीमती अभिलाषा शर्मा, तरुण भारद्वाज, शान्य श्रीवास्तव, हमारे शर्मा जी और मेरा समस्त स्टाफ, ठीक है चौहान साहब के यहाँ पहुंच गया। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। डीजीएनए न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।